तव कथामृतं तप्त जीवनं कविपीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। वन की विश्लेषण किया जा रहा था। मन ही हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कहा जाता है मानुष मुनेति बद्धो मुनेति मुक्तो। मन का अवस्था अनुसार हम लोग बद्ध बन जाते हैं मुक्त बन जाते हैं। जो बद्ध अभिमानी नहीं है आपने के बद्ध समझता है। दोजो फील दे आर बाउंड दे आर बाउंड। जो मुक्त अभिमानी नहीं है आपने को मुक्त हो जाता है मुक्त समझता है। दोजो फील दे आर फ्री दे आर इंडीड फ्री। इसलिए मन को भली भांति जानना विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इतना तक देखा कि जब तक मन का तीन उपादान है सत्व रजस तमस। सत्व हमें ऊंचा उठा के ले जाते हैं तमक गिरा देते हैं। रज हमारे नाना प्रकार कर्म बंधन से फंसा देते हैं। और सत्व हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। और ये भी देखा गया मन का चार स्तर है उसमें से तीन स्तर का चर्चा हम लोग कर चुके हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेतन अवचेतन एवं अचेतन। चौथा है अतिचेतन। लेकिन प्रथम तृतीय स्तर में हमारे मन का साधारणतया विचरण करते हैं। प्राय प्रत्येक व्यक्ति का तीन स्तर में रहता है। एवं ये भी देखा गया कि मन को पीरियोडिक बीच बीच में विश्राम देना बहुत जरूरी है। इससे शरीर का भी जरूरी है। हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं इंसोमनिया एक डिजीज़ है हमारे शारीरिक व्याधि अनिद्रा। इसके लिए आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं ये व्याधि। इसलिए तो स्लीप क्लिनिक भी खोला गया है। क्लिनिक है जहाँ पर आदमी पैसा देके सो जाते हैं और पैसा देके दवा भी लेते हैं हम लोग स्लीपिंग पिल्स। क्योंकि नींद हमारे लिए अत्यावश्यक है। और चिकित्सकगण कहते हैं नींद का प्रयोजन व्यक्ति विशेष पर निर्भरशील है। किसी को थोड़ा कम किसी को थोड़ा ज़्यादा। जो विश्वव्यापी चिकित्सकगण का मत है उन लोग कहते हैं 6 to 9 hours स्लीप इज मैंडेटरी। एक एक देश का एक एक नियम है प्रकृतिगत है डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑल्सो। कोई शीत प्रधान देश है कोई ग्रीष्म प्रधान देश है। तो इसे साधारणतः माना जाता है 6 to 8 hours स्लीप जरूरत है। लेकिन ये शारीरिक विश्राम का बात चल रहा है फिजिकल रेस्ट द रेस्ट ऑफ द स्थूल शरीर।
फिर इसके भीतर हमारे एक सूक्ष्म शरीर है जिसको मन कहलाता है, वो भी तो एक यंत्र है, उसका भी विश्राम का जरूरत है। नहीं तो हम लोग देखा है उसमें तनाव पैदा हो जाता है एवं उसकी अगर ठीक ठाक निरस्त नहीं किया जाए धीरे धीरे वर्धित होकर शरीर में फैल जाएंगे एवं हम लोग व्याधिग्रस्त हो जाएंगे। तो स्वस्थ जीने के लिए जैसे नींद का जरूरत है शरीर का, वैसे मन का। मन का कितना घंटा नींद का जरूरत है वो भी वेरिएबल है। तो कहा गया है कम से कम एक दो घंटा तो नींद मन का विश्राम जरूरी है, जो कि ध्यान के माध्यम से हमें मिलता है। इसलिए कहा गया है कि कम से कम एक दो घंटा ध्यान भजन करना चाहिए। 2 hours इज रिकमेंडेड, इफ नॉट मिनिमम 1 hour। और एक घंटा भी एक टाइम में नहीं हो सके तो कम से कम 2-3 बार 30 मिनट करके 2 बार इसी करके कुछ विभाजन कर लेना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देने से मन तनाव युक्त हो जाएगा और हम लोग जो कर्म कर रहे हैं वो सुचारू रूप से कर नहीं पाएंगे। तो मन को विश्राम कैसे प्राप्त कर सके, नींद का गोली खाकर मन को विश्राम नहीं होगा, मन और भी तनाव युक्त हो जाएगी। जिसको जो मन को संतुलित करके उसको विश्राम देना चाहिए, न कि उत्तेजित करके। अभी संतुलित करने का जो प्रक्रिया है वह हमारे ध्यान के माध्यम से कहा गया है। इससे हमें देखना पड़ेगा मन का एक चौथा अवस्था भी है जिससे हमारा मन का विश्राम मिल जाता है, उसका नाम है अतिचेतन। इसको तुरीय भी कहलाता है। समाधि अवस्था में उस अवस्था हमें उन्नीत होता है। जैसे अचेतन अवस्था में मन निष्क्रिय हो जाता है अज्ञान रूप से, हमें पता नहीं चलता है क्या होता है अचेतन अवस्था में, लेकिन मन स्थिर हो जाता है। वैसी जब गंभीर ध्यान हो जाता है तब भी मन निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ज्ञान वर्तमान होता है, वो भी निष्क्रिय अवस्था है, जिसे उदाहरण से समझा जाता है। जो लट्टू होता है हम लोग जिसको घुमाते हैं टॉप, वो जब हम छोड़ देते हैं तब घूमते रहते हैं और दिखाई पड़ता है घूम रहा है एक जगह में घूम रहा है, उसके बाद में कि ऐसे इस करके घूम रहा है, फिर बाद में वो कुछ समय बाद उसका जब मोमेंटम ख़त्म हो जाता है वो शांत हो जाता है, उसमें कोई रोशार नहीं होता है। ये तो लट्टू का एक निश्चिष्ट अवस्था है, स्थिर अवस्था है। और एक लट्टू का अवस्था होता है जब उसको टॉप स्पिन में घूमता है, भ्रमण करके घूमता है, तब उसका जो घूमना द रोटेशन इज नॉट विजिबल, इतना तेजी से घूमता है तब भी स्थिर दिखाई पड़ता है, वो भी एक संतुलित अवस्था है, वही ध्यान अवस्था है। जैसे पृथ्वी इसको स्थिर दिखाई पड़ता है, स्टेशनरी, ग्राउंड स्टेशनरी, लेकिन असलियत में जो वैज्ञानिकगण कहते हैं
इट इज रोटेटिंग एट ए वेरी हाई स्पीड अराउंड द सन, स्थिर कहाँ है, प्रचंड वेग से घूर्णमान है, लाइक अदर स्टार्स एंड प्लैनेट्स। वैसी मन जब ईश्वर के साथ युक्त हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, पूर्ण रूप से ज्ञान विद्यमान होता है, तब भी मन का शांत अवस्था होता है। उस शांत अवस्था से मन का सफिशिएंट विश्राम मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा होता है उसका नींद कम हो जाता है। जब वैज्ञानिकगण कहते हैं जी नींद आवश्यक है, अर्थात शरीर का जो विश्राम जरूरत होता है, वो शरीर का जो निष्क्रिय अवस्था वो ध्यान के माध्यम से मिल जाता है। समाधि अवस्था में तो शरीर का कोई बोध ही नहीं रहता है। जिसे ठाकुर के बारे में कहा जाता है, वो बिल्कुल नहीं सोते थे, माँ कहते थे शिकायत करके, और चौके तो घूमने ही हम लोग का सुबह में आके उठा देते हैं। तो वो रात में तो सोते नहीं, ठाकुर के बारे में जो विवरण है, वो रात में सब जो जो उनका घर में रहते थे, बोला जी ये तो कोई सोता नहीं, दिन भर रात भर दिन भर भी बातचीत करते हैं, बाबा माँ का नाम लेते हैं, रात भर भी माँ का नाम लेते हैं, कोई बैठे रहते हैं, गान करते हैं, तो उनका विश्राम कैसे मिल रहा है, क्योंकि मन तल्लीन है। इस अवस्था में उसका विश्राम मिल जाता है। तो ये जब हम मन को अति चेतन अवस्था में उन्नीत करने का प्रयास करते हैं, ये प्रयास का ध्यान अवस्था समाधि नहीं है, ध्यान समाधि का पूर्व अवस्था है। राजयोग में जो अष्टम मार्ग कहा गया है, यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम हमारा शरीर और मन को नियंत्रण करने का प्रक्रिया है। शरीर को नियंत्रित करना, मन को नियंत्रित करना, बॉडी एंड माइंड स्वस्थ रखना, तो श्रृंखला प्रण रखना, डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। उसके बाद आसन, स्थिर होकर बैठना। जब मन को विश्राम देना है तब स्थिर होकर बैठना जरूरी है, क्योंकि स्थिर होकर बैठने से शरीर स्थिर होगा, शरीर स्थिर नहीं होने से मन स्थिर नहीं होगा। तो मन को स्थिर कैसे करेंगे, इसके बाद में प्राणायाम का है, श्वास प्रश्वास संतुलित करना, उसके आगे प्रत्याहार, मन को एक केंद्र में लाना एवं धारणा, एक केंद्र में स्थापन करना। और जब एक बिंदु पर मन को स्थापन किया जाता है कुछ समय के लिए, उसी को ध्यान कहलाता है। ध्यान जब गंभीर हो जाता है वही समाधि है। तो सीमा शारदा देवी का सहज समाधान देखिए, कितने विचक्षण बुद्धिमती थे, उनका सहज समाधान है, बोसले ही देह स्थिर, नाम करते करते मन स्थिर। अगर आप एक जगह में बैठ जाएंगे शांत होकर, तो शरीर का जो असंतुलित अवस्था है वो स्थिर हो जाएगा, बैठने से ही होगा, लेकिन मन स्थिर नहीं होगा, मन भटकते रहेंगे। और मन स्थिर करके करने का क्या प्रक्रिया है, अर्थात आप बैठो और लेट जाओ, जागृत रहो और निद्रित रहो, मन स्थिर नहीं होगा, मन उधर सपने में भटेगा, इधर जागृत रहने से मन इधर उधर भागेगा। तो मन स्थिर करने का क्या प्रक्रिया है, हम मन को विश्राम देना चाहता हूँ ना, तो वह है नाम करते करते मन स्थिर, नाम दोहराओ, कोई भी नाम दोहराओ, इसको जप कहलाता है।
इसीलिए पतंजलि ने कहा है जपात सिद्धि, जो माँ भी कहते थे जपात सिद्धि, जब से तुम्हारा सिद्धि लाभ होगा, मन शांत हो जाएगा और मन शांत हो जाने से ही वो भगवान के साथ युक्त हो जाएंगे। तो शांत होने का ये अद्भुत अलौकिक प्रक्रिया इन लोग का आविष्कार किया वो है रिपीटिशन ऑफ ए नेम और बारंबार वो नाम दोहराने से, जिसको जप कहलाता है, मन अपने आप शांत हो जाएगा। अभी मन का दो बीमारियां है, एक है ये चंचल, दूसरा ये नाना प्रकार कामना वासना युक्त इम्प्योर, इसको पोल्यूशन ऑफ द माइंड कहलाता है। अगर कोई भी नाम दोहराएं तो मन शांत होगा लेकिन साफ नहीं होगा, अगर भगवान का नाम दोहराए तो इफेक्ट इज टू इन वन, मन शांत भी होगा और साफ भी होगा। इसीलिए कहा गया किया है भगवान का नाम दोहराना चाहिए तो मन शांत भी हो जाएगा और साफ भी हो जाएगा। इसलिए पतंजलि ने कहा है जपा सिद्धि, लेकिन जप में क्वालिफिकेशन दिया है कि इसे जप करना, तत् जप तत् अर्थधारणम, जप कर रहे हैं उसका अर्थ चिंतन करना चाहिए। चेयर 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 करके जप करने से वो चेयर का मूर्ति आ जाएगा, जड़ हो जाएगा, भगवान का नाम लेने से मन चेतन रहेगा। इसीलिए कहा गया है भगवान का नाम क्या है, तस्य वाचक प्रणव ओंकार। कोई भी पावन नाम हो, जितने भी हमारे दीक्षा मंत्र दिया जाते हैं ओंकार पुटित इसीलिए रहता है, वन पार्ट इज ओंकार परमात्मा, उसका प्रभाव से मन पवित्र होगा। तो ये जब पवित्र नाम हम दोहराएंगे तब मन शांत होगा और तब मन धीरे धीरे शांत होते हुए जो चतुर्थ स्तर है ज्योति चेतन अवस्था है उसके ऊपर धीरे धीरे वो प्रवेश करेगा। तो चतुर्थ स्तर में क्या होता है, फोर्थ स्टेज, उसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, शाम को आरती के बाद काली कीर्तन, आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।